हेलो दोस्तों, एमएस किचन लाइफ आपका स्वागत करता है। गाइज, आज मैं एक अमेजिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंडे को उबाल लेंगे। अंडे को उबाल करके छिलका उतार लें और इसे चार पीस में कट कर दें। तो इस तरह से सारे पीसेस बना करके तैयार कर लें। अब एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड को पानी में डुबो देंगे। ब्रेड को पानी में डुबोएं, पानी ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा पानी डाल करके दोनों तरफ से डुबो दें और इसे दबा करके इसका पानी निकाल लें। अब इसे हल्के हाथों से बेलन से बेल देंगे, इस तरह से बेल लें। अब इस पर एक अंडे के पीस को डालेंगे, इस पर थोड़ी सी नमक छिड़क दें, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला भी छिड़क दें, धनिया पत्ता भी काट करके बारीक डालें, हरी मिर्ची भी काट करके डालें, चीज़ भी इसके ऊपर से डालें। अब टमाटो केचप भी ऊपर से डाल करके इसे फोल्ड कर दें। अगर ये चिपक जाए तो इसे चाकू की मदद से फोल्ड कर लें। एक ही लेयर फोल्ड करें, फोल्ड करके चारों तरफ से इसे दबा देंगे तो इस तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह सारे को बना करके तैयार कर लें। इसे डीप फ्राई नहीं करें, थोड़ी से तेल डाल करके इसे हल्की से सेक लें, उलट पलट के दोनों तरफ सेक लें और इसे टेस्ट करके ज़रूर देखें। गाइस, इसे एक बार ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, एक बार ज़रूर बनाएं, मैं फिर बोलूँगी कि एक बार ज़रूर बनाएं। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। गाइज, ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।